हरियाणवी सरकार मुर्दाबाद, सरकार तुरंत बनाओ। गढ़शंकर इलाके दे करीब 40 पिंडां दे लोग पंजाब ते हिमाचल प्रदेश की हद ते पैंदी साबण अते परफ्यूम फैक्टरी दे प्रदूषण तो डाढे परेशान ने। इन्हां लोकां ने बीत भलाई कमेटी दे बैनर हेठ फैक्टरी खिलाफ पिछले 2 सालों तो मोर्चा खोलिया होया सी, जो हुण इह मोर्चा फैक्टरी बनाम बीत भलाई कमेटी ना रह के डिप्टी स्पीकर जयकिशन रोड़ी बनाम बीत भलाई कमेटी बन के रह गया है। दरअसल 2 महीने पहला डिप्टी स्पीकर जयकिशन रोड़ी ने फैक्टरी मालक ते बीत भलाई कमेटी की आगुआ विचाले विचोलगी करदिआं लोकां दा पक्का मोर्चा इस भरोसे के आधार पर चुकवाया सी कि फैक्टरी का ना तो पराली नूं साड़िया जाएगा और ना ही दूषित पानी नूं पंजाब च छड्डिया जाएगा। जदों मसले का कोई हल ना निकलिया तो इलाके च होरनां समस्यावां ने सिर चुक्या तो लोग डिप्टी स्पीकर नूं मंग पत्र देण पुज गए। इस दौरान लोगों के डिप्टी स्पीकर विचाले तिखी बहसबाजी हो गई तो लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। एक साबण फैक्ट्री लगी है, साबण फैक्ट्री नूं प्रदूषण बनाया, लोगों का जीना उत्ते मुश्किल होया है, लगातार नशे विक रहे हैं, नशे इन्हां दी शहर ते विक रहे हैं, राजनीतिक लोगों की शहर ते विक रहा है। उल्टा लोगों को यह कहा जा रहा है कि नशे तुसीं बेचदे हैं, इस करके उन्हां गल्लां ते तकरार होया। साडे तां यह कह रहे भी अजकल लुक नहीं पाई जांदी, साडा यह है जद तक लुक नहीं पैंदी कोई टोए पै टोए पुटो। उन्हां गल्लां दा जवाब उन्हां कोल कोई नहीं सीगा, ओह कैच आ के धक्के मारना पे, धमकियां देना पे, जिहदे करके साडे अंदर रोस है, तां करके धरना लाया। रामजी दास चौहान प्रेस सकत्तर बीत भलाई कमेटी। असीं बीत भलाई कमेटी वालों अलीके प्रोग्राम के मुताबक अज बिजली दफ्तर बिजली के कट्टां नूं लै के धरना देण उपरंत डिप्टी स्पीकर नूं पहलां दित्ते गए मंग पत्रां ते याद पत्र देण लई इत्थे पहुंचे सीगे, पर डिप्टी स्पीकर दा जो बीत के लोकां प्रति वतीरा ओह बड़ा निंदणयोग वतीरा है। इहो वतीरा लोकां नूं जिहड़ा अज लोगों के नाल साडे MLA ने साडे डिप्टी स्पीकर ने व्यवहार किया कि महंगा पऊगा। लाजमी लोग असीं पहलां भी कहंदे सीगे जे मंगां ना मनिया तो लोग सड़कों पर घेरनगे, हुण जे इदां दा वतीरा रखिया तां लोग तां लैके आए सी सरकार बदलाव के नां ते भी ये बदलाव करूगी और विकास करूगी, पर यह पहलियां सरकारां दे नाल भी उत्थे राह पई है, डिक्टेटरशिप दा वतीरा अख्तियार कीता। असीं जे डिप्टी स्पीकर साहब ने सरकार ने लोगों दी मंगां दा कोई हल ना कीता तां लाजमी तौर पर बीत च इलाके च चढ़ना वड़ना औखा कर देंगे, सरकार के पैरों थले अग रख देंगे। जे सरकार नूं भलेखा होवे कि असीं लोकां नूं मिसगाइड करके कई तरह के साजबाज दिखाए सड़कों के नाँ से हस्पतालों के नाँ से, पर लगातार लोगों को अज 1 साल लगभग हो गया सरकार ने कोई काम नहीं किया, सगों लोगों को झूठे लारे लाए जा रहे हैं। बीत भलाई कमेटी सीट के लोगों गढ़ क्षेत्र विधान सभा हल्के के लोगों नाल लैके तगड़ी लड़ाई लड़ेगी जिहड़ी कि सरकार नूं सामभणी। उधर जेकर डिप्टी स्पीकर की मनीए तो उन्होंने कहना है कि जदों उन्होंने बीत भलाई कमेटी के आगुआ तो मंगा बारे विस्तारपूर्वक जानकारी मंगी तो लोगों ने उन्होंने गल सुनने की बजाय बहसबाजी शुरू कर दी। जिन्हें भी साथी आए थे उन्होंने सारे मैं बेनती की कि तुम दफ्तर के अंदर आके बैठो, चाह पानी थोड़े लिए तैयार है, कुर्सियां लगियां जिहड़ियां भी थोड़ियां मुश्किलां हैं वो असीं बैठ के डिस्कस करते हैं और उन्होंने उत्ते साडा की जवाब है तुसीं सारा क्लीयर करो क्योंकि जिहड़े नाल साथी आए हैं उन्होंने गुमराह ना करो क्योंकि सब तो वड्डी गल इशू जिहड़ा सीगा दो इशू उन्होंने दस्से ने, एक फैक्ट्री वाला तो नाल जिहड़ा एक नंगर रोड का। उन्होंने दस्सिया कि नंगर रोड का टेंडर लग चुका है और मैं सारे साथियों नूं इक्को ही बेनती की कि तुसीं क्लीयर करो कि इस महीने दे विच लुक पाई जा सकती है क्योंकि जिहड़ा लुक पाउण दा सीजन है वो गर्म होकर लुक पैनी है और मार्च तो पहला नहीं पै सकदी। कहंदे टेंडर नहीं लगा, मैं कहा टेंडर दीआं कापियां दे दिंदे आ। दूसरा इशू उन्हां दा इह सी, मैं कहा देखो जिहड़ी फैक्ट्री है ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੋ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹਿਮਾਚਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ और जदों उत्थे जाण दी लोड़ पई तो सब तो पहला आपां जावांगे पर इन्हां दे विचों कुछ पोलीटिकल पार्टियां दे बंदे ने जिहड़े कि आम लोकां नूं गुमराह करदे ने और आम लोकां नूं गुमराह नहीं होण देंगे। सारी जिहड़ी गल इन्हां दा चिट्ठा जिहड़ा असीं बाहर खोलांगे। जदों इन्ना सब कुछ होण तो बाद बीत इलाके दे लोकां ने सरकार खिलाफ मोर्चा खोल ही दिता तां डिप्टी स्पीकर दे समर्थक भी कित्थे पिछे रहण वाले सी। डिप्टी स्पीकर के OSD चरणजीत चन्नी ने पिंड कोकोवाल मजारी च समर्थकों का इकट्ठ करके बीत भलाई कमेटी के आगुआ से इलाके का माहौल खराब करने के इल्जाम लगा दिते। मानयोग स्पीकर साहब के एक्शन खराब करने के लिए उन्हों का अड्डा झुंगिया पुतला फूकिया गया। मैं थोड़ा जिहा दसा तो जदों की सरकार बनी है मानयोग स्पीकर साहब के कोल बहुत सारिया जथेबंदियां अक्सर अपना मंग पत्र देने लई सैकड़ों की गिनती जो इकट्ठे होकर आते हैं इदा होंदा रहा। बीत भलाई कमेटी के जिहड़े मित्र आ साडे वो भी आए, मैं इन्होंने खुद अगे होकर कहा भी प्रधान जी आओ स्पीकर साहब तुहाडा इंतजार करदे। अंदर जाने तो बाद स्पीकर साहब ने कहा भी जां तां आपां बाहर वाले सुन लीए जां तुहानूं सुन लीए, इदा करो तुसीं उन्होंने अंदर लिआओ। अंदर लिआउण दी गल होई, जदों बंदा गया उन्होंने कहण वास्ते वो कहण दा तरीका इहो जिहा दा उन्हें उन्होंने भड़काया लोकां नूं भी स्पीकर साहब नूं बाहर बुलाइए जां तुसीं अंदर जाना। वो कहते बाहर आ जाओ, बाहर जो आए हैं उत्ते जो उन्होंने मंग पत्र पढ़ाया जाता मंग पत्र पढ़ने वाले जो गल करने का तरीका सी वो बड़ा कड़वाहट वाला सी जिहदे नाल थोड़ा जिहा माहौल खराब होया। ते ये सच है कि उन्हों दी मंगा बिल्कुल जायज़ सी, ये सच है सड़क की हालत बहुत माड़ी है, ये भी सच है कि सड़क की हालत जिहड़ी है पिछले 9 महीने च नहीं पिछले 4-5 साल तो खराब है। ये भी सच है कि इहदा टेंडर जिहड़ा वो लगभग 1 महीना पहला ठेकेदार नूं मंजूर हो चुकिया। गल रही फैक्ट्री की, फैक्ट्री नूं असीं क्लीन चिट नहीं दिंदे। पंजाब दे विच साडे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने जीरा फैक्ट्री जिहड़ी पोल्यूशन फैला रही सी तुरंत प्रभाव दे नाल उहनूं बंद कीता है। अज भलाई कमेटी दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ राजसी पार्टियां लोग आंदे आ, उन्हां दी सरकार है कांग्रेस दे विच उत्थे जाण असी उन्होंने साथ दिंदे आ, करान जो पोल्यूशन पैदा करती है असी उन्होंने साथ देवांगे। देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम नाल गढ़शंकर इलाके के वासियों च सरकार और डिप्टी स्पीकर की लोकप्रियता जरूर घटेगी तो जेकर इलाके दीयां मंगां पूरीआं ना होईआं तो सरकार नूं आउण वाले लोक सभा चोणां 'च इसदा खमियाजा भी भुगतना पै सकदा है। सो लोड़ है कि सरकार लोकां दीयां जायज़ मंगां वल फौर ध्यान देवे तो अपनी लोकप्रियता नूं कायम रखे। गढ़शंकर तो अमरीक सिंह की रिपोर्ट।